वेलकम मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आईबीपीएस मेन, आरआरबी मेन, पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए कंबाइंड ये कोर्स है। मैं लगातार उसके लिए लेसन्स वीडियोस देने जा रहा हूं। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आप सभी कमेंट करते हैं कि क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ी बहुत मैं उस पर चर्चा करूंगा कि कैसे इस पर कमांड करें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आइए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स दरअसल चैप्टर के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तभी आप क्वेश्चंस को सही अप्रोच से आगे ले जा पाते हैं। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के एक नए चैप्टर में मत पढ़िए, इसमें तो टेस्ट दीजिए। चैप्टर में जाइए, कॉन्सेप्ट पर कमांड हासिल कीजिए और जब मिसेलेनियस मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप अप्लाई करके देखिए हो पा रहा है कि नहीं। नहीं होने का सीधा मतलब है कि चैप्टर पर कमांड नहीं है। फिर से चैप्टर पर जाइए। बेसिक जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को देखने के बाद उसका एक मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन पढ़े, लेकिन पढ़ते 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 तुरंत थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको उसका मैप नजर आ जाता है और उसके मुताबिक आप उसमें घुसते हैं। ज्यादा पेचीदा होता है तो आप नेम डालते हैं, XYZ ABC, सॉल्व अलग ढंग से करते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रोबेबिलिटी का। इन ए बैग ए देयर आर थ्री रेड बॉल्स, एक्स ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। The probability of drawing one green ball from bag A is 1/3. In bag B, ये मैं पढ़ रहा हूं पूरा समझाने के लिए, आपको पूरा पढ़ के आगे नहीं पढ़ना है। In bag B, there are x-2 red balls, x-3 green balls, and x-5 blue balls. Two balls are drawn from bag B. Find the probability that both the balls are blue. आपको तुरंत समझ में आ गया होगा थोड़ा आगे बढ़ते ही कि x एक अननोन है और बैग A से x का वैल्यू निकलेगा। बैग B में जो भी डेटा है वो x के रूप में एक्सप्रेस्ड है, यानी सबसे पहला काम बैग A से x का वैल्यू निकालना है और बैग B में जाकर के वहीं पर क्वेश्चन है और वहीं सॉल्यूशन है। मैप क्लियर हुआ? अब आप देखिए बैग A का जहां तक सवाल है, बैग ए का यहां तक सवाल है। इसमें रेड बॉल है, ओके, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, ओके, एंड ब्लू बॉल है, ओके, एंड ब्लू बॉल्स है, ठीक। थ्री रेड बॉल्स है, ठीक है, एक्स ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, और 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है उससे एक बॉल निकाला जाए तो ग्रीन होने की 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुल मिला के 3 बॉल मान लें तो उसमें से 1 ग्रीन है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दोनों 2 हैं और बाकी दोनों 8 हैं। रियल में 8 हैं और रियल में 2 हैं। कौन? रेड प्लस ब्लू, ऐसे लिखे हैं कि नहीं? तो 2 का मतलब 8 हुआ तो 1 का मतलब कितना हुआ?
इंटू फोर, यानी फोर हुआ, बोले समझ में आया कि नहीं। और एक्स का वैल्यू जैसे ही फोर मालूम हुआ तो आ गए बैग बी में, बैग बी में, बैग बी में भी फिर उसी तरह से ये रेड, ये ग्रीन और ब्लू की बात है, लेकिन एक्सप्रेस्ड है कि x माइनस टू रेड है, तो x का वैल्यू तो 4 है, तो यानी 2 रेड है। इसके बाद x माइनस थ्री ग्रीन है, यानी 4 माइनस थ्री यानी 1 ग्रीन है, और 5 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल 8 हुआ कि नहीं, टोटल 8 हुआ कि नहीं, बस बस बस। इसके बाद उसी में पूछा जाता है कि 2 बॉल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं B से, तो प्रोबेबिलिटी बताइए 2 बॉल्स कितने तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो 2 बॉल्स किए जा सकते हैं, टोटल 8 है, 8 सी 2 बी से, और उसमें से दोनों के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लू कितने तरीके से हो सकता है, यही ना प्रोबेबिलिटी हुआ। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 5 into 4 by factorial 2 होता है कैंसिल होगा, 8 into 7 by factorial 2 होता है कैंसिल होगा, बस बस बस, यानी कि 5 by 14 is the answer, 5 by 14 यानी A is the answer, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एजेस का ये सवाल है, और जब बहुत सारे नेम्स आते हैं तो हम शुरू करते हैं कुछ मानते हुए, ऑपरेट वैसे नहीं करते, सोचते हैं कहां से शुरू करें। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 39 इयर्स, द एज ऑफ ए 1 ईयर हेंस विल बी इक्वल टू द एज ऑफ सी 2 इयर्स अगो, द एज ऑफ ए 3 इयर्स हेंस इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 2 इयर्स अगो, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू डी इज 1:2, फाइंड द सम बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड दैट ऑफ डी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात है कि ए और बी के एज का सम 39 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है ए प्लस बी एट प्रेजेंट 39 ईयर्स है, ठीक है। ए का एज अगला लाइन है, आज से वन ईयर एक साल के बाद उतना होगा जितना कि सी का एज आज से टू इयर्स पहले था, यानी सी का एज जो आने में ए को 3 इयर्स ज्यादा लगेंगे सी के एज की तुलना में, आज से 2 इयर्स अगो एंड आज से 1 ईयर हेंस 3 इयर्स, दैट मींस कि सी जो है वो 3 इयर्स बड़ा है, यानी ये दिया हुआ है सी जो है वो ए से 3 इयर्स बड़ा है। उसी तरह से द एज ऑफ ए 3 इयर्स हेंस आज से 3 साल के बाद इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 2 इयर्स अगो, दोनों के बीच 5 इयर्स का गैप है और बी से बी की तुलना में ए 3 इयर्स छोटा है, यानी बी की तुलना में ए 5 इयर्स छोटा है, 2 अगो एंड 3 हेंस 5 इयर्स छोटा है। सिर्फ गैप 5 इयर्स है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ है कि बी का एज जो है ए से ज्यादा है 5 इयर्स और सी का एज ए से 3 इयर्स ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मान लीजिए, ठीक है बढ़ते हैं, ए और डी का जो प्रेजेंट एज है वो 1:2 है, ठीक है 1:2 है, तो ए प्लस बी 39 है और बी माइनस ए 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि B का एज क्या होगा, सम इज 44 यानी कि 22 और A का एज क्या होगा 17, 5 का गैप है छोटा है तो 17, जैसे ही A का एज 17 मालूम हुआ 1 इज इक्विवेलेंट टू 17 इयर्स, तो 2 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, डबल 17 टाइम्स, इधर से डबल या उधर से 17 टाइम्स, तो 34 इयर्स। अब
ए का एज 17 इयर्स है और बी का 34 इयर्स है, तो दोनों का एज का सम डिफरेंस एटीसी कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि सी एंड डी, तो डी का निकला है ना 34, फिर सी का पूछा गया है, तो सी एंड डी के एज का सम क्या होगा? तो सी का एज क्लियर है यहीं से तुरंत। सी क्या है? ए से, ए का 17 है, ए से 3 इयर्स बड़ा है, यानी कि ये 20 है। तो सी प्लस डी पूछा गया था एट प्रेजेंट, तो सी का 20 है और डी का 34 है, तो क्या ये 54 इयर्स ना हुआ? आंसर इज 54, दैट मीन्स सी आंसर। समझ में आया? आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो मेंसुरेशन का है। सुंदर क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग ए ट्रेपेजॉइड फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 1.45 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 522। द डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 14 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखिए ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जस्ट वन स्टेज है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल का वन स्टेज, कि इस आमने सामने के साइड्स का एक पेयर, वन पेयर पैरेलल हो जाए बस। मतलब ट्रेपेजियम को ऑल ट्रेपेजियम्स, देखिए ट्रेपेजियम ऐसा है, हम पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को बोल सकते हैं, स्क्वायर को बोल सकते हैं, सम चतुर्भुज रोम्बस को भी बोल सकते हैं। मैं फिगर आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये पैरेलल है, इतना पता है बस, ये पैरेलल है और कोई कंडीशन नहीं होता। बाकी कंडीशन क्वेश्चन में है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, वो और ये कुछ भी है ए बी सी डी मान लीजिए। इसमें अगर हम इसकी लंबाई को एल को इसको एल मान लें, इसको बी मान लें, जो डिस्टेंस है एच मान लें, तो क्या क्या दिया हुआ है बताता हूं। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एच का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो मान लीजिए अगर ये बड़ा है ये छोटा है कोई भी, तो एल माइनस बी दिया हुआ है 14 मीटर, इतनी चीजें दी हुई है। और एक दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है उसका खर्च आता है इतना रुपया। मान लीजिए किसी जगह पर किसी फील्ड में हम लोग खेत जोतते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो अगर 10 मीटर स्क्वायर एरिया है और हमारा खर्च हो 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 5 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा कि नहीं? अगर 10 रुपीज खर्च हो और 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर रेट हो, तो 5 मीटर स्क्वायर होगी नहीं, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर खर्च हो। तो यही दिया हुआ है कि एरिया का जहां तक सवाल है, दिया हुआ है इसमें कि 522। थोड़ा इसको मैं करके भी दिखाता हूं, कि ये जो एरिया है ना कैसे निकलेगा, तो खर्च है रुपीज 522 रुपया और रेट जो खर्च का है वो 1.45 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, इतना रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इसलिए जो निकलेगा मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको छोड़िए डेटा सीधा लिखेंगे, ये तो समझ में आ नहीं रहा, आएगा कैसे? दोनों टू से मल्टीप्लाई कीजिए, टू से करने से ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको 290 कर दीजिए और बोलिए 290 कर दीजिए डबल और फिर टू प्लस इसके बाद डेसिमल, तो ऐसे होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, यानी कि ऐसे होगा कि नहीं, यानी कि ऐसे कर दे तो ऐसा होगा कि नहीं, जरा बोलिए, ये समझ में आ रहा है? मतलब एक तरह से समझिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया इजी करने के लिए। ऐसा हमने इसलिए किया
कि 29 एक प्राइम है वो रहेगा, 145 जो है एक तरह से वैल्यू के रूप में वो स्मॉलर हो गया, और इसके बाद 29 से इसके नहीं कटने का तो सवाल नहीं है। सोचता हूं 10 टाइम्स होता तो 290 होता, 20 टाइम्स होता, 20 टाइम्स होता होता तो 580 होता, 580 से ये 58 कम है तो क्या ये 2 कम नहीं है? क्या ये 18 टाइम्स में नहीं कटता? जल्दी बोलिए, 18 टाइम्स में कटता है तो क्या 360 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ना हुआ? ऐसे सॉल्व करते हैं, और जब एरिया मालूम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया 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 क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो एरिया यहां पर दिया हुआ है 360 हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि 20, ये होता है। मतलब एरिया इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, बिटवीन साइड्स वही साइड्स, मैंने यूं ही लिखा ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। देखिए बस यही है, यहां से आपको तुरंत समझ में आता है कि L प्लस बी जो है वो 36 है, और L माइनस बी जो है वो 14 है। 2L इज इक्वल टू 50 ना हुआ तो L क्या 25 ना हुआ, और B जो है वो 11 ना हुआ, बोलिए यानी कि 25 और 11 यानी A इज आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई होगी। मेरी दिलचस्पी इसी बात में है कि आपको पढ़ने का मन कैसे लगे। ओके, ऑल द बेस्ट।